सबसे पहले तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया कि आप इस मौके पे यहाँ तशरीफ़ लाए। सबका शुक्रिया, सब अपने ही हैं मगर शुक्रिया सबका। इस वक्त मेरा दिल का हाल ये है कि मेरी ज़िंदगी का ये बहुत ही अहम दिन है। वैसे बहुत सी किताबें हैं जो गई हैं, रिलीज़ भी हुई, लेकिन आज इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है कि ये प्रोग्राम जो मैंने 1978 में दिल्ली में किया था, उसकी स्क्रिप्ट वक़ार रिज़वी की वजह से, इनकी ज़िद की वजह से आपके हाथों में आई है और ये लाइट एंड साउंड की इस मुल्क में पहली किताब है। इसलिए मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है और जो डायस पर जितने लोग बैठे हुए हैं उनका मैं शुक्रिया तो क्या अदा करूं। मैं उनसे सबसे बड़ा हूं उम्र में, शारिब को छोड़कर वो 3 महीने बड़े हैं मुझसे, तो मैं दुआ दे सकता हूं कि सब भाई सलामत रहें और जो मनोकामना हो उनकी सब पूरी हो। मैं बहुत कम लफ्ज़ों में आपको ये मीडिया शुरू कैसे हुआ। 1969 में जलियांवाला बाग को 50 साल हुए थे, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, गुजराल इंद्र कुमार गुजराल उनके मिनिस्टर थे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के और हरीश खन्ना उनके सेक्रेटरी थे। तो ये एक बेटा भी इंदिरा जी से लेके नीचे तक कि ऐसा कुछ किया जाए कि जो हिंदुस्तान में कभी ना हुआ। तो उसमें फिर मोहन राकेश आए, अमृता प्रीतम आई, जोगेंद्र तिरहन आए, दीनानाथ आए, मैं आया, तो बैठ के ये तय हुआ कि जो ट्रेडिशनल लाइट एंड साउंड प्रोग्राम है दुनिया में जो हो रहे हैं उनमें ये होता है कि किसी बिल्डिंग को पसंद करके, किसी जगह को पसंद करके लाइट एंड साउंड के ज़रिए उनकी हिस्ट्री बयान की जाती है। तो हम लोगों ने यह तय किया कि इसको इसमें अगर हम लाइव आर्टिस्ट भी मिक्स कर दें तो इस प्रोग्राम का की ताकत भी बढ़ जाएगी और इस प्रोग्राम को हम किसी बिल्डिंग से बाहर भी ले जा सकेंगे। तो उस सिलसिले के प्रोग्राम सबसे पहले जलियांवाला बाग में हुआ और फिर मैंने पुराने किले पर 71 में जब बांग्लादेश की हमने जंग जीती है तो तब वहाँ एक प्रोग्राम हुआ। फिर दूसरा प्रोग्राम भोपाल में मैंने किया और तीसरा प्रोग्राम युगन जी ने बड़ी मोहब्बत से यहाँ पहली गारद में रेजिडेंसी में करवाया 1974 में, और बड़ी 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 इज्जत से और कोई मुझे परेशानी नहीं हुई। और इस तरह से एक तरह से, हालांकि मैं रायबरेली का हूँ, लखनऊ में पढ़ा हूँ, लखनऊ में रहा नहीं, जिस दिन आखिरी पर्चा यूनिवर्सिटी का दिया है मैं थिएटर के सिलसिले में दिल्ली चला गया और फिर वहीं रहा, तो रहा नहीं था। लेकिन ये जो बढ़ते कदम प्रोग्राम हुआ उससे लोगों ने मुझे पहचाना कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके लिए योगेन जी का हमेशा एहसानमंद रहूँगा कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया कि मैं अपने को यहाँ अपने लोगों के बीच में पहचानवा सकूँ। और अपने लोग जब पहचानने लगते हैं तो उसकी खुशी का अंदाज़ा वही लगा सकता है जो बाहर मशहूर हो लेकिन घर में ना हो। अब रहा ये कि उसमें जब लाइट एंड साउंड प्रोग्राम की जब क्लाइमेक्स था, यानी बहुत ज़्यादा मैं काम कर रहा था दिल्ली में, तो हमारे आशीष त्रिपाठी साहब इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के डिप्टी सेक्रेटरी थे और वो उस डिपार्टमेंट को देख रहे थे जो जिसके ज़रिए ये प्रोग्राम होते थे। तो एक बड़ा काम जो हुआ है वो त्रिपाठी साहब को शायद याद नहीं होगा, मैं याद दिलाऊंगा और ना ही वो मानेंगे, कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं बताना आप लोगों को सबके सामने बताना चाहता हूँ कि उसमें प्रोग्राम करने में मुझे दिक्कतें होती थी। वो दिक्कत ये है, जैसे गालिब का प्रोग्राम है उसकी टोपी जो है
अगर मैं जो पैसा देता है जो फाइनेंस, तो उसको समझाओ कि 100 रुपये में बनेगी, तो उसके नहीं समझ में आता था, वो कहता 10 रुपये में जो टोपियाँ मारी मारी घूम रही, आप 100 रुपये में क्यों बना रहे हैं? तो अब वो कैसे समझाएंगे आप? यानी जाहिल, पढ़े लिखे जाहिल को कैसे आप समझाएंगे कि नहीं साहब ये 100 ही रुपये में बनेगी, ये गालिब की ही टोपी है, ये इसको 6 रुपये में बनेगी। तो इस तरह कुछ बातें मैं त्रिपाठी जी से किया करता था। कमाल आप देखिए त्रिपाठी जी का कि मुझे बगैर बताए, मुझे कोई इल्म नहीं है, उन्होंने मुझे उस डिपार्टमेंट में एडहॉक डिप्टी डायरेक्टर बना दिया। यानी वो झंझट ही ख़त्म हो गया कि सबसे सेंक्शन लीजिए, ये लीजिए, आपको पैसा मिलिए, आप प्रोग्राम करिए, आप ऑडिट कराइए और छुट्टी करिए। तो एक ये जो एहसान है त्रिपाठी जी का, वो अगर न होता तो वो जो जितने भी प्रोग्राम 22 प्रोग्राम मैंने किए हैं, 22 प्रोग्राम में सरकारी तो 20 हैं, 2 गैर सरकारी हैं जिसमें सरकार की कोई मदद नहीं थी, जिसमें सब आर्टिस्टों ने मिल के किया था। उसमें एक चंडीगढ़ में अनारकली और दूसरा यहाँ अपनी कथा लखनऊ में। तो वो इसके अलावा सारे प्रोग्राम मैं इसलिए कर सका कि त्रिपाठी जी ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं किसी से भीख ना मांगूं और बल्कि खुद जिस तरह भी समझूं प्रोग्राम को अच्छा बनाने के लिए मैं उस पर काम कर सकूं। फिर हम इस पर पटनायक साहब बैठे हुए हैं, पटनायक साहब गवर्नर साहब के यहाँ सेक्रेटरी थे, मैं बिल्कुल नहीं जानता था इनको, कोई मुझे इल्म नहीं था, न शायद ये भी मुझको न जानते होंगे। पटनायक साहब ने एक बहुत बड़ा काम राजभवन में किया, बहुत बड़ा काम, जो हमारे जितने आर्टिस्ट बैठे हैं थिएटर के, जितने सब भाई मेरे बैठे हुए हैं, उनको ये जान के बेइंतहा मसरत होगी कि पटनायक साहब ने राजभवन एक ऐसी जगह है जहाँ पर जादू का तमाशा, मुशायरा, कवि सम्मेलन, ये सब इस तरह की चीज़ें होती थी, लेकिन पटनायक साहब ने मेरा सीरियस प्ले वहाँ कराया, शतरंज के मोहरे वहाँ कराया। और इस तरीके से यानी कि वहाँ एक इतना बड़ा काम, इतना ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा काम है कि कम से कम कोई तो ऐसा मिला समान धर्म का जिसने ये समझा कि नाटक भी कोई चीज़ है। तो पटनायक साहब की वजह से ये हुआ। और हमारे वाइस चांसलर साहब आए हैं, बड़ी मेहरबानी उनके, वो तशरीफ़ लाए हैं, बहुत ही मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, इसलिए कि मैं उसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ जहाँ आप इस वक्त वाइस चांसलर हैं, और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी को अपने दिल में बसाए हुए, अपनी आँखों में सजाए हुए हर जगह गया हूँ, हर जगह जहाँ भी मैंने काम किया है ये ज़रूर बात निकली कि आप कहाँ के पढ़े हुए हैं। मैंने कहा लखनऊ यूनिवर्सिटी को। जब मैं इंटरनेशनल जूरी का मेंबर हुआ जेकोस्लोवाकिया में, वहाँ टेलीफिल्म्स पर गोल्डन अवार्ड दिए जाते थे, तो उसमें ये हुआ कि जो रिजल्ट्स, जब यानी कि यह तय करना कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, तो उसके लिए उन लोगों ने 2 दिन रखते थे, वो लोग 2 दिन रखते थे कि 2 दिन बहस होती थी, डिस्कशन होता था, फिर ये तय होता था कि कौन सी फिल्म नंबर 1 पे है, कौन 2 पे है। जब ये सिलसिला पहली बार जब मैं गया तो जब मेरे सामने आया तो मैंने उनसे कहा कि आपने अभी तक गलत किया है, अभी तक बिल्कुल सही आदमी को आपने अवार्ड नहीं दिया है। उसकी वजह ये है कि ये जापान से आए हुए हैं, मैं हिंदुस्तान से हूँ, जर्मनी के हैं, ये कौन सा ऐसा यहाँ बैठा हुआ है जो डिस्कशन में बहुत उम्दा तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकता है, और वो डिस्कशन में जो बहुत बढ़िया बोल ले गया वो फिल्म हो गई अच्छी, तो ये आप गलत करें। तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि आप बहुत नाराज़ हुए वो लोग, और उन्होंने कहा कि आप कोई फार्मूला बताए। मैंने उसी वक्त जो फार्मूला बताया उनको, वो मैं बहुत शॉर्ट में बता दूंगा। मैंने कहा कि जितने भी आपके जूरी के मेंबर हैं उनसे आप कहिए कि जो इन ऑर्डर आप 10 फिल्मों के नाम लिखकर चेयरमैन को दे दीजिए, फिर उस 10 फिल्मों में जो कामन हो नाम वो निकाल लीजिए, उसके बाद 5 कर लीजिए, फिर 5 के बाद 3 कर लिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गए, किसी को बोलना नहीं पड़ा, आधे घंटे में फैसला हो गया, 2 दिन घूमिए से को सलवा किया। ये उन्होंने मारा। फिर उन्होंने वहाँ का जो प्रेस आया, एक ख़ास बात मैंने इसलिए बताना चाहिए सिंह साहब के लिए कि जब उनका प्रेस आया मेरे पास, बड़ी बड़ी धूम हुई, वहाँ के एम्बेसडर साहब बड़े खुश हुए मुझसे, बड़ा नाम किया आपने, तो उन्होंने एक सवाल किया उसमें से एक जर्नलिस्ट ने कि आप कहाँ के पढ़े हुए हैं।
तो मैंने कहा भाई मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी पढ़ा हूँ, वहाँ ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही लोग पढ़ते हैं। और यहाँ पर इत्तेफाक ऐसा है कि सब आईएएस बैठे हुए हैं, मुझे लखनऊ यूनिवर्सिटी की ये बात नहीं बतानी चाहिए मगर मैं बताऊँगा, सब लोग लुत्फ उठाएंगे उससे। शारिफ को याद होगा, प्रोफेसर सिद्धार्थ थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, वो कहते थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोड्यूसेस आईएएस पीसीएस and we produce victims for them. अब ये शारिब जैसे पढ़ते यूनिवर्सिटी में हमारे साथ वैसे ही हैं, उतने ही भोले, उतने ही मासूम, तकरीबन वैसे ही सूरत शक, और किसी को मायूस नहीं किया। कभी कभी शक होता है मुझे, किसी को उन्होंने ज़िंदगी मायूस नहीं किया है, मायूस हुए हैं, मायूस हुए हैं लेकिन मायूस नहीं किया है। और ये इनका, इनके बाल फिर सफ़ेद हुए हैं, खून नहीं सफ़ेद हुआ, वैसे ही दोस्तों के लिए हैं, वैसे ही हमारे लिए हैं, वैसे ही हैं। ये इस वक्त ऑल इंडिया कैफी आदमी एकेडमी के प्रेसिडेंट भी हैं, जेएनयू में पढ़ा चुके हैं, मगर दोस्ती वैसी है, उसमें कोई कमी नहीं आई। कमल अरोड़ा साहब चंडीगढ़ से महज इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए हैं, सिर्फ इस प्रोग्राम में, ताली बजाइए। इनका साथ मेरा 1977 से है, कई लाइट एंड साउंड प्रोग्राम्स हम लोगों ने किए हैं, कई ड्रामे फेस्टिवल किए हैं, और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये इतनी मोहब्बत करते हैं कि वहाँ से चल के यहाँ तक आए हैं। अभी आप इनको सुनेंगे, ये वहाँ चेयरमैन हैं संगीत नाटक एकेडमी के, तो वहाँ से ख़ास तौर से ये तशरीफ लाए हैं। अब इसमें अगर इस सिलसिले में मैं वक़ार रिज़वी को बुरा भला ना कहूँ तो बात बनती नहीं है। ये वक़ार रिज़वी हैं जिन्होंने बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से, प्यार भरी जिद करके ये मुझे समझा दिया कि लाइट एंड साउंड की भी स्क्रिप्ट को किताबी शक्ल में होना चाहिए। मैं इसको अब तक किताबी शक्ल इसलिए नहीं दे पाया था कि मैंने ये सोचा था कि ये पढ़ने की चीज़ तो है नहीं, करने की चीज़ है, प्रैक्टिकल है, करेगा कौन, किताब पढ़ी रहेगी। इनका कहना तो नहीं है, आप किताब की शक्ल होना चाहिए और उसमें बहुत सी नई चीज़ें हैं, नए एंगल्स हैं, लोगों तक पहुंचना चाहिए, और लाइब्रेरी के लिए ख़ास तौर से इसकी अहमियत अपनी है। तो मैं इनको, इनका शुक्रगुजार तो नहीं हूं, इनके लिए ज़िंदगी भर दुआ करूंगा कि उन्होंने मुझे ये राय दी। और इत्तेफाक़ ऐसा है कि ये इस भारत की लाइट एंड साउंड स्क्रिप्ट की पहली किताब बनी। आप बहुत बहुत शुक्रिया, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर कि आप यहाँ हैं, और ऑडियंस में जो लोग बैठे हैं बड़े बड़े लोग हैं, बड़े मोहब्बती हैं लोग, बड़े यानी कि बड़े बड़े नाम कमाने इंटरनेशनल लेवल के लोग बैठे हुए हैं, सभी हैं, अब सबका नाम बताना तो ज़रा मुश्किल है, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बेइंतहा शुक्रिया, बड़े दिल से शुक्रिया।